दोस्तों जन चौक पर आपका स्वागत है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ और यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ। अभी आपको मैंने कुछ महिलाओं से आपकी बात कराई और एक खास मुकाम पर हूँ, खास मौका भी है किसान आंदोलन का आप कह सकते हैं। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, करीब जो है 76वां 77वां दिन है और कल जो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। आपको बताएं, जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो किसानों को बहुत उम्मीद थी कि शायद सरकार मान जाए, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और आंदोलन लगातार फैलता जा रहा है, उसमें एक उम्मीद बधी थी कि शायद पार्लियामेंट के अंदर और खास करके विपक्ष की घेरेबंदी भी जबरदस्त हुई पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मोदी नहीं माने। और मोदी नहीं माने, उसके साथ उन्होंने जो बातें कही वह कतई किसी भी आंदोलन को अप्रिशिएट करने के लिहाज से, या कहिए उसकी कोई प्रशंसा उसमें हो, इसके बजाय एक मजाक के तौर पर सामने आया पूरा बयान। और किसान संगठनों ने उस पर कड़ा एतराज जताया है और उसे अपमान की संज्ञा दी है, जिस तरह से उन्होंने पूरे आंदोलन को कहा परजीवी है और आंदोलनजीवी लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, और इसी तरह तमाम जुमलों के जरिए खारिज करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा होगी आंदोलनकारियों को, जो पिछले 5 महीने से, 3 महीने पंजाब में, उसके बाद 2 महीने से दिल्ली में, और उसके ये आंदोलन हरियाणा होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बाकी देश भारत में फैल गया है। तो किसानों की वो पीड़ा समझी जा सकती है। उनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय उनके साथ में बैठा हुआ हूँ और इन्हीं से पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए और कोई बैच लगाएं, आप उसके बारे में बताइए। मैं कृति किसान यूनियन पंजाब का वित्त सचिव हूँ। हिंदी में जी, कृति किसान यूनियन पंजाब का वित्त सचिव हरमेश सिंह ढेसी जी। जो बैज है वो भी कृति किसान यूनियन का है जी। जी, तो कल जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया है, अगर पहली प्रतिक्रिया, पहली टिप्पणी आपकी तरफ से पूछें तो क्या है? ये बात है जो उन्होंने कहा है ना, ये तो परजीवी है, ये तो पहले भी ना, इनका काम ही है ये एक सरकार के खिलाफ, कांग्रेस भी हो उसके भी खिलाफ काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम परजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, पर हम कोई इस ये काम नहीं कर रहे जो किसान देश के खिलाफ हो या किसी एक धर्म के खिलाफ हो। हम तो सभी लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पंजाब की हो, क्योंकि जो MSP है पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा में मिल रही है, सिर्फ कुछ पश्चिमी यूपी है जहां मिल रही है। हम तो सारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 3 करोड़ रद्द करो, MSP की गारंटी करो, क्योंकि जो सरकार है ना वो 21 है वस्तुएं, जैसे गेहूं, चावल हैं और बहुत चीज़ हैं, मक्का है, वो कोई भी चीज़ नहीं खरीद रही, सिर्फ गेहूं तो चावल खरीद रही है, धान खरीद रही है। सो हम तो ये लड़ाई सभी देश के लिए लड़ रहे हैं। वो बिहार सरकार आपके पास फिर आएंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जगतार सिंह पटेल। जगतार जी, कल आपका जो है 3 महीने पंजाब में आंदोलन हुआ, 2 महीने से आप यहाँ डटे हुए हैं, अब इस चरण में प्रधानमंत्री कल एक बयान आया है और जहाँ तक आंदोलन पहुँच गया है, तो इस बयान के बाद अब आगे क्या है? मतलब अभी प्रधानमंत्री बयान सरकार ने खारिज कर दिया है, तो आगे अब उम्मीद क्या बनती है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ना तो हमको पहले प्रधानमंत्री के बयान से उम्मीद थी, ना हमको पहले है, ना हम उसके पहले उनके बयानों से नाराज थे, ना हम अभी उनके बयानों से नाराज थे। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी बोले, ये सरकार की एक सियासत होती है, एक चाल होती है कि किसानों में नाराजता फैलाने की, उसको दबकाने की, उसको धमकाने की, जैसे कि चार के नीति में लगा के सांप दाम दंड भेद में। तो हमको इन सभी नीतियों को पहला मालूम है, ये जितने मर्जी बयान देते कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको सब कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी मांगे मनवा के ये तीनों कानून वापस करवा के जहाँ से जाएंगे, हम इनकी सभी पॉलिसी समझते हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री वर्ल्ड बैंक का चौकीदार है, ये तो अमेरिका की, उनकी साम्राज्यों की बोली बोलेगा ना, ये हमारे देश की थोड़ा बोलेगा, हमारे लोगों की थोड़ा बोलेगा। जो मर्जी जी हम को कह दे के जी आंदोलन जीवी हैं, हाँ हम हैं आंदोलन जीवी, अपने हक के लड़
अपने हक के लिए लड़ना, आंदोलन करना। अगर आंदोलन जीवी है तो हम हैं आंदोलन जीवी। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हमारी किसानों की समस्या रहेगी, हमारे देश में लोगों की समस्या रहेगी, हम आंदोलन जीवी है, हम आंदोलन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, अडानी बने हो, जो कुछ किसी ने बोलना बोलने जी उनकी सियासत है, हमको उसके बोलने से कोई फर्क नहीं है। देखिए, ये साफ साफ कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी है और सही बात है। जिस तरह का बयान आया है उसके सारे हिस्सों से उसकी आलोचना हो रही है। इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसमें हर नेता भगत सिंह जिससे लेकर गांधी और सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम नेता उसमें शरीक थे। क्या वो सारे आंदोलन जीवी थे? अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हिसाब से तो उनको शर्मसार होना चाहिए इन सारे नेताओं को, लेकिन सच्चाई है कि आज उन्हीं की आज़ादी दी हुई, आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। मैं एक बात और कहने जाता हूँ जी जी, हम इनकी तरह आंदोलन जीवी नहीं है। जब हमारे देश के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो इनके वाजपेयी, इनके सावरकर, वो जहाँ से माफीनामे लिख के दे के आ रहे थे, और जो आज हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये सभी माफीनामे लिख के दे के आए थे अंग्रेजों को। हम वो माफीनामे लिख के देने वाले इन आंदोलन जीवी नहीं हैं, हम लड़ने वाले आंदोलन जीवी हैं, अपने हकों के लिए लड़ेंगे, इनकी तरफ माफीनामे लिख के भागेंगे नहीं। देखिए, बहुत सही बात इन्होंने कही है, और फिर एक बार इशारा किया जो बार बार किया जाता रहा है, ये इनका जो पितृ जो संगठन है आरएसएस, और उसके जो लोग थे वो आज़ादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे, और वो जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, और अगर कहीं कुछ फंसे कभी, सावरकर ने 6-6 माफियां मांगी, वो पूरा देश जानता है, दस्तावेजों में दर्ज है। लिहाजा उस तरह के आंदोलन जीवी ये नहीं है, इनका कहना है। और ये जब भी जरूरत पड़ी देश को, जनता को, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, और एक बार फिर गर्व के साथ उस लड़ाई में शरीक है। एक मिनट आपको बताता हूँ, इनका एक ही आदमी था जो जेल में गया था सावरकर, उसने अंग्रेजों को 25 चिट्ठी लिखी कि हमारे को जेल को छोड़ दे, हम आपकी सेवा करेंगे। हमारे जो गदर पार्ट के लोग थे, बाबा सोहन सिंह पकड़ना और बहुत लोग थे, जो बाबा सोहन सिंह पकड़ना था ना, उसका 6 फुट का था और उसको 5 फुट के पिंजरे में रखा जाता था। वो एक आदमी ने भी हमारे ने माफ़ी नहीं मांगी, जो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं कि ये लोग, हम देशभक्त हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये हमको क्या पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए माला जो हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, पंजाबियों ने, उसमें पहले हरियाणा भी शामिल था, क्योंकि एक ही हिमाचल भी था, जो लड़ाई पंजाब के लोगों ने देश के लिए लड़ी है, वो सब लोग जानते हैं के गदार कौन है। हमने देशभक्ति का इनसे सर्टिफिकेट थोड़ा लेना है, हम जानते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं, और उनको अपने दामन में झांकना चाहिए जी। अगर आपसे जी, मैं बहुत ही बात नहीं करूंगा, एक मिनट से मैं यही बोलूंगा, मेरे देश दे इतिहास दे कुछ पन्ने मेरे मन से शमशीर बन गए, जेडे लड़े, जेड़े मरे, जेड़े चुके, जेड़े लड़े मरे वो शहीद बन गए, जेड़े डरे लुके वो वजीर बन गए। अभी आप जो बोले हैं उसका थोड़ा सा हिंदी। वो कह रहे हैं कि जो देश से गद्दारी कर रहे थे वो हमारे देश के नेता बन गए, और जो देश के लिए लड़ रहे थे वो आज आंदोलन जीवी बना, ये है उनके कहने, गद्दार बन गए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पंजाबी भी कही और आपने उसका हिंदी तर्जुमा भी कर दिया। ये आज कह रहे हैं कि जो गद्दार है देश के, वो सत्ता में आ गए, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो आज उनको कुछ नहीं मिला, सड़क पर फिर एक बार आंदोलन के लिए तैयार है, उनको मजबूर होना पड़ रहा है। शुभ नाम आप बताइए। मेरा नाम जी, हिंदी आप थोड़ा बोल लेंगे? नहीं, मैं तो पंजाबी। अच्छा, कोई हिंदी बोल लेंगे? आप बोल दीजिए हिंदी, ये कर दीजिए जी। अभी कल जो बयान आया प्रधानमंत्री का संसद के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अही तो यही कहना चाहिए, जो झूठता फुलंदा ये प्रधानमंत्री करी जान रहे ने, ना तो मतलब सानू, मतलब किसानों अपने किसान, अपने किसान कह कह के मतलब कहते हैं, पर यह जो भी है एक किसान अपने जहाँ तो फिर कानून रद्द करे तो साड़ी गल करे, फिर तो यही भी कही अपने हूँ, जो अपने किसान कितने भी ये स्पीच करेगा, ये बात हम ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे गए जो हमको अच्छे नहीं लगते, किसान लोगों को अच्छे नहीं लगते,
तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम तो इसका विरोध करते हैं, हम हमारे साथ बने ताई अपने है ना जी। जी देखिए यही कारण कि अगर किसानों के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और किसान नहीं चाहते हैं तो आप क्यों उन पर थोप रहे हैं, उसको ले जाइए, हम किसानों को नहीं चाहिए कानून, अपने घर रखिए अपना कानून, यही कहना चाहते हैं। आपसे पूछते हैं, आपको लगता है कि पिछले दो महीनों के अंदर लगातार सत्ता की तरफ से साजिशें हो रही हैं तरह तरह से, कभी खालिस्तान, कभी जो है पाकिस्तान, कभी जो है माओवादी और लाल किला घटना सामने है, तो एक साजिश चल रही है और लग रहा है कहीं शायद वो सफल हो जाए, इस तरह आगे भी आपको लगता है साजिश रच सकती है सरकार? देखिए जिन लोगों से हमारी लड़ाई है ना, ये अकेली हमारी लड़ाई मोदी से नहीं है, इसके पीछे जितने भी सरमाएदार हैं दुनिया के वो सभी एक साथ हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं सिर्फ पंजाब के नहीं हिंदुस्तान के, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर हैं, वो सभी एक साइड में, ये हमको पूरी अच्छी तरह हम जानते हैं कि ये चालें चलेंगे, पहले भी जिस भी इन्होंने बहुत चाल की, कभी खालिस्तानी कहने की, कभी नक्सली कहने की, कभी माओवादी कहने की, इनकी सभी चाल जो विफल हुई, फिर इन्होंने रियाने को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, सतलुज जमला नहर का मुद्दा उठाने की, वहाँ भी इसकी पुट्ठी पड़ गई, फिर इन्होंने 26 जनवरी को हमको खदेड़ने की कोशिश की, हमको वो सारा मीडिया में करने की, वो भी इनकी पुट्ठी पड़ गई। अब जितनी भी ये चालें चलेंगे, हमको मालूम है कि जैसे मैंने पहले बोला कि जो दुश्मन होता है ना वो साम दम दंड भेद सभी तरह के चालें चलता है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारे किसान हमारे लोग जो है सारे भारत के, वो इनकी सभी चालों को पूरी तरह से, अब कोई बिन भेद नहीं रहा, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंजाब का आंदोलन, जो पहले कह रहे थे ना कि ये पंजाब के सिर्फ पंजाब बोल वाले बोल रहे हैं, अब हरियाणा वाले बैठे हैं, एमपी वाले बैठे हैं, बिहार में हो रहा है, और आज से 15 दिन पहले बम्बई शहर में इतना बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ, तो वो तो सारे सरदार नहीं है ना, सारे देश के किसान, अब जितना ये देर करेगा, जितना ये ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेगा किसानों को बदनाम, इस आंदोलन को बदनाम करने की, किसी दंड से किसी और तरीके से इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, इसको ये मालूम नहीं है कि फुटबॉल जो होता है ना फुटबॉल, उसको जितना दबाओगे वो इतना और उभरता है, ये लोग मिट्टी में सोने वाले हैं, रात को वो मिट्टी का डाला होता ना खेत में पानी लगाते लगाते, तो सर्दी में उसमें सोने वाले लोग हैं, ये क्या हमको बगाएंगे, हम बगाएंगे इनको जो गद्दों में सोने वाले। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और इनका जो हौसला है उसी शायद बधा हुआ है, ये कह रहे हैं जो सिर्फ यहाँ के सरमाएदार नहीं पूरे दुनिया के सरमाएदार हैं जो इनके साथ हैं, और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की जो गरीब जनता वो इनके साथ है, लिहाजा इस सोचते हैं कि लड़ाई कितनी लंबी है, और इशारा कर रहे हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो है मुनाफेखोर लोग हैं, वो इस भारत के बाजार को देख रहे हैं, और कल जब प्रधानमंत्री अपने संसद के भीतर भाषण कर रहे थे तो लोग इसी तरह इशारा कर रहे थे वो कि मनमोहन सिंह लागू करना चाहते थे नहीं कर पाए, कांग्रेस लागू करना चाहती थी नहीं कर पाई, और हम उनको उनके उस कानून को और उनके उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सिलसिला जो है मूलतः IMF वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्देशित सिलसिला है, और सब लोग जाते हैं इस देश के अंदर जो भी लिबरलाइजेशन, जो भी इकॉनमी का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सार्वजनिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, उनकी कंपनियां बेची जा रही हैं, उनके पीछे यही सारी चीज़ें हैं, तो इस बड़े फलक को समझते हैं और शायद इसीलिए इतने दिनों से टिके भी हुए हैं, क्या इसी बात कुछ कहें? हाँ, जो ये सभी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे BJP है चाहे और इलाकाई पार्टियां हैं, वो सभी जो वर्ल्ड बैंक है ना उसके आगे गोडे टेक चुके हैं, सभी की नीतियां एक ही है, चाहे पंजाब में काली दल हो, तमिलनाडु में को NRDMK हो, और पश्चिमी बंगाल में ममता भी हो, वो सभी का एक ही है, नीतियां जो है एक ही है, इसलिए जो पहले जब भी मनमोहन सिंह हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना था ना 1991 में, वो वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम था, कांग्रेस का को मेंबर भी नहीं था। अभी जो चल रहा आंदोलन आप लोगों का, जनता की भागीदारी हो रही है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको सत्ता चाहिए, जो उसका इंतजार कर रही हैं, उस स्तर पे क्यों नहीं लग पा रही हैं? देखिए ये पहली बात हो जाए कि ये आंदोलन की सफलता का सबसे पहला राज यही है कि पंजाब में किसी भी सियासी पार्टी को जो राज कर रही है, चाहे वो अकाली दल है, कांग्रेस है,
आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उनके किसी भी लीडर को एक पार्टी के तौर पर अपने बीच में शामिल नहीं होने दिया, ताकि ये जो किसानों का आंदोलन है ये सियासी रंग में नहीं चला जाए। दूसरी बात कि कोई किसी को अगर कोई मैंने किसी को अकाली दल को वोट डाल दी तो मैं अकाली तो नहीं ना, मैं कांग्रेस को वोट डाल दी तो मैं कांग्रेस तो नहीं बन जाऊँगा ना, मैंने झाड़ू को वोट डाल दी तो मैं वो तो नहीं बन जाऊँगा ना। हमारा मसला जमीन का है, जो इस टाइम किसान लड़ रहा है वो कोई पार्टी का होकर नहीं लड़ रहा, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी होंद के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो सियासी पार्टियां ना सभी रंग बिरंगी सभी तरह की, वो लड़ रही हैं अपनी कुर्सी के लिए, वो इधर उधर से बहाने आने बहाने से इसके बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं, मगर किसान जथेबंदियाँ उनको घुसने नहीं दे रही। अगर इनको कर रहा है तो ये अपनी तरफ से करें, हर एक का राइट है, हम कहते हैं कि करें, अकाली दल वाले भी कर सकते हैं, झाड़ू वाले भी कर सकते हैं, करें जो कर सकते हैं, मगर लोगों को मालूम है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सभी इसके साथ रले हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि किसान अपनी होंद के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां ये अपनी मेंबरशिप के लिए, अपनी एमएलए के लिए, अपने एमपी के लिए और अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी? थोड़े आगे आ जाओ, 90 साल। और आप इस आंदोलन में शामिल हैं, कितने दिन से इधर हैं? 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप इधर ही हैं, आपको डर नहीं लगता कि यहाँ कोरोना हो सकता है कुछ इस तरह? डर नहीं लगा, क्या होता है, एक दिन मरना, एक दिन ऐसा नहीं मरना है, एक दिन मरना है बंदे, डर नहीं लगा, लेकिन लड़ते हुए मरना है। और आप अभी आप डटे रहेंगे, यहाँ बैठे तक टूटते फिरते देख रहे हैं। कोई हिंदी और बोले चीजा डरनी है, जितने सरदार है चीजें डरते हैं, मरते कोई नहीं डरता, कोई डरता नहीं है, आप डटे रहेंगे। सरदार ने जेड़ा जाकर इंग्लैंड में मारिया जनरल डायर, वो सरदार ने था। अब देखिए मैं आपसे, क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी नहीं होकर पा रहे ने चलाता, ये बताइए अभी जो तस्वीर बन रही है तो आप कितने दिन डटे रहेंगे ये बताइए, उसका क्या मतलब, कोई है सिलसिला, कोई समय, कोई मुकाम है? हमने स्टेज पर भी हम बोलते हैं जहाँ भी कि हम गेहूं बीज के आए थे, हाँ, और गेहूं काट रहे हैं जितना टाइम भी लड़ना पवे, क्योंकि जब तक हम गेहूं नहीं ना काटते उस समय तो हमारे कोई थोड़ा गन्ने का काम है कुछ पौक में पंजाब के, नहीं तो सभी इलाका है जो गेहूं का ही है, हम गेहूं काटने तक तो बिल्कुल डरे रहेंगे। और फिर भी हम पिंडों में, जैसे अब बहुत सारी पंचायत हैं जहाँ जथेबंदी के पिंड के झूठ है ना, उन्हें ऐसा कर लिया कि 10 बंदे आएंगे, ट्राली यहीं खड़ी रहेगी, और 10 बंदे 10 हफ्ते बाद जा, वो बखरा बखरा है कि वो दूसरे आ जाएंगे और जो पहले हैं वो वापस चले जाएंगे, और जरूरत पड़ने पे 2024 तक चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मर्जी चले आएंगे, जीत के जाएंगे, हमारे पास इतना राशन है जो शायद मोदी को भुलेखा पहले था कि 10-15 दिन जहां रुकेंगे भूखे मरेंगे और वापस चले जाएंगे। और हर रोज हमारे को गांव से बहुत फोन आते हैं कि हम बताओ कि हम क्या लेके आए, और हमारी ट्राली भरी हुई है, इसलिए बाला हमारा सारा जो दाल है पानी है सभी है, हमारे पास इतना राशन है ना, अब ये कार्ड भी दे कनेक्शन पीछे से तो हम कम से कम 1-1.5 महीने तक हमको किसी चीज़ की लोड़ नहीं है, इसलिए वाला हम जितना भी चाहे, और हम ये भी बता देते हैं कि जितना लंबा आंदोलन करेगा मोदी इसकी उतनी जड़ें उखड़ जाएगी। हाँ देखिए, हाँ जी आप कुछ कहते आखिरी। देखिए हम जो इस टाइम किसान जहाँ बैठा है ना, हम ये सोच के बैठे हैं कि मरना है भूख से नहीं, मरना लड़ के मरना है, जब हमारे पास हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, इसलिए थे बैठे हैं, जब तक बैठे हैं तब तक बैठे हैं, जब तक जीत के जाएंगे, हमारे पास गवाने के लिए अब कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है,
उनके पास है, उनके पास सत्ता खोने के लिए है, उनके पास लाखों अरबों करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी खोने के लिए है। हमारे हमको तो दिस रहा है कि हमारी जो जमीन है वो भी चले जाएगी। जब हमारे पास रहेगा ना कुछ, हमने तो वहाँ भी मारा तो जहाँ लड़के मरना हम बेहतर। देखिए साथियों, मार्क्सवाद में क्रांतियों के लिए कहा जाता है कि सर्वहारा इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। दिया जाओ जीतेगा ही जीतेगा, जो भी मिलेगा उसको कुछ मिलेगा, खोने के लिए उसके पास जब कुछ है ही नहीं है। और अगर ये किसान उस मना स्थिति में पहुंच गए हैं, ये देखिए इनके मुंह से बात आई है कि हम अगर यहाँ से लौटेंगे तो हमारी ज़मीन हमारे हाथ से जा चुकी होगी अगर हम इस कानून को नहीं रुकवाते हैं, तब खोने के लिए इनके पास भी कुछ नहीं है। अपने तरह के एक सर्वहारा की स्थिति में पहुँच गए हैं मानसिक तौर पर। और ये सरकार को समझना चाहिए, मोदी जी जिस तरह से कल संसद के भीतर पूरे आंदोलन का मजाक उड़ाए हैं, भारतीय इतिहास के जो आंदोलन का अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा और जिस सत्ता का अगर जिक्र होगा तो काले अक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा कि जनता जब कभी सड़क पर उतरी थी तो मोदी ने उसको इस तरह से उसका मजाक उड़ाया था। क्योंकि अभी तक का जो लड़ाई का इतिहास है देश के अंदर, वो आज़ादी की लड़ाई की बात हो या 77वीं इमरजेंसी खिलाफ का मसला हो या बीपी सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मसला रहा हो, कभी भी आंदोलन को हमेशा आंदोलन का इस देश के अंदर स्वागत किया गया है। जनता ने उसे कंधों पर बैठाया और जो भी उसके नेता रहे हैं उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है उससे ऊपर बैठा हुआ एक ऐसा शख्स है जो पूरे आंदोलन को ही मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। यह एक बड़ी साजिश है पूरे देश के खिलाफ, पूरी जनता के खिलाफ और उन आंदोलनकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस देश को बनाया है और यहाँ अंग्रेजों के जकड़ से निकाल करके यहाँ तक पहुँचाया है। तो लिया जाए आज यहीं बस इतना ही। जनचौक को इजाज़त दीजिए। सिंह बॉर्डर से मैं महेंद्र मिश्र।